मुझे नड्डा जी ने बताया कि मोदी जी आज भाषण तो बाद में, आज कुछ सवाल जवाब हो जाएं। मैंने भी बात को मान लिया, आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारी बहन जी वहां से जैसे भी आगे आज्ञा करेगी मैं अपनी गाड़ी आगे चलाऊंगा। राम पटेल दमोह मध्य प्रदेश। श्री राम पटेल दमोह मध्य प्रदेश। किस तरफ है? आदरणीय, हाँ बताइए बताइए। आदरणीय मोदी, मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ आपको, बताइए। आदरणीय मोदी जी प्रणाम। राम विधान, राम पटेल दमोह से का प्रभारी हूँ, बूथ 171 दमोह से आपको प्रणाम करता हूं। आपसे मैं प्रश्न करना चाहता हूं, आपने भी खुद मंडल स्तर पर तक कार्यकर्ता बन करके काम किया है, ऐसे में आप राजनीति के अतिरिक्त सामाजिक जुड़ाव को कैसे देखते हैं? आपसे पूछना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। एक तो मुझे अच्छा लगा कि आप रोज की राजनीति की आपाधापी के बजाय किसी और दिशा में सवाल को लाए हैं। आप बैठिए, मेरा जवाब लंबा हो जाएगा, आप बैठिए आराम से। देखिए, जो एक बूथ होता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी इकाई है। हमें कभी भी बूथ की इस इकाई को छोटा नहीं समझना चाहिए। हमें अपने बूथ में राजनीतिक कार्यकर्ता से भी ऊपर उठकर समाज के लिए सुख दुख के साथी के रूप में अपनी पहचान बनानी चाहिए। और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें जमीन का फीडबैक बहुत जरूरी होता है। जो बूथ के हमारे साथी हैं वे इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री भी या मुख्यमंत्री भी अगर कोई सफल नीति बनाता है तो मान लेना किसी न किसी बूथ के कार्यकर्ता के दी हुई जानकारी की ताकत बहुत बड़ी होती है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनमें से नहीं है जो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर पार्टियां चलाते हैं और फतवे निकालते रहते हैं। हम तो वो लोग हैं जो गांव गांव जाकर गर्मी हो बारिश हो कड़कड़ाती ठंड हो हर मौसम हर परिस्थिति में जनता के बीच जाकर के खुद को खपाने वाले यहां लोग हैं। और इस वजह से बूथ का बहुत मजबूत होना बहुत स्वाभाविक है। मुझे याद है कि अगर ये बूथ कमेटी नहीं होती तो शायद ही कभी उज्ज्वला योजना का विचार ही नहीं आता। साथियों, ये आपकी निरंतर कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि गांव से कार्यकर्ताओं ने मुझे उज्ज्वला गैस योजना के विषय में समझाया,
बाद में वो नीति बन गई और गरीब के घर तक गैस का चूल्हा पहुंच गया। साथियों, भाजपा की बूथ कमेटी की पहचान सेवा से होनी चाहिए। बूथ के अंदर रोज आंदोलन संभव नहीं है, तू तू मैं संभव नहीं है, और इसके लिए बूथ की अंदर भाजपा की पहचान सेवाधारी की होनी चाहिए, सेवा भाव की होनी चाहिए। और इसके लिए छोटे छोटे समझे जाने वाले काम जो लोगों को बहुत छोटे लगते हैं लेकिन बहुत उपयोगी होते हैं। अब जैसे गांव में कहीं न कहीं तो आपको बैठने की वो जगह होगी, किसी पेड़ के नीचे बैठते होंगे, किसी चाय के ठेले के पास जाके बैठते होंगे। क्या कभी आपने सोचा है कि सुबह अखबार पढ़ लिए, शाम को दोपहर के बाद वहां जाएंगे, एक खटिया में सारे अखबार लगा देंगे और गांव वालों जिसको भी अखबार पढ़ना होगा वहां आएगा, बैठेगा, अखबार पढ़ेगा, देश और दुनिया की बात करेगा। आपने तो अखबार पढ़ लिया था लेकिन वो अखबार अब पूरे बूथ के लोगों के काम आ रहा है। देखिए, कोई खर्चा नहीं, वो आपको आपका नेता मानने लग जाएगा कि नहीं मानने लग जाएगा। कभी कभी हम अखबार में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, भारत सरकार की एडवर्टाइजमेंट आती है, राज्य सरकार की एडवर्टाइजमेंट आती है, अपने पार्टी के नेताओं की तस्वीर उसमें होती है। क्या हम एक नियम बना सकते हैं कि अपने बूथ के अंदर एक जगह फिक्स करें और अखबार में जो एडवर्टाइजमेंट आई है उसको उस दिन काट करके उसको एक बड़ा बोर्ड बना करके वहां लटका दें? आपके बूथ के लोगों को पता चल जाएगा कि भी आज की खबर कहां है, उस पेड़ के नीचे वो लटकता है ना, चलो वहां चले जाते हैं, देख लेते हैं। बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड बना सकते हैं बूथ के अंदर। आप हर दिन एक कार्यकर्ता को जिम्मेवारी दो, आज भाजपा की जो अच्छी खबरें हैं, देश की अच्छी खबरें हैं, वो ब्लैक बोर्ड में लिख दीजिए। बूथ के लोग आएंगे जाएंगे जरूर पढ़ेंगे। मैंने एक कार्यकर्ता देखा, वो फर्स्ट एड बॉक्स अपने यहां रखता था। वो फर्स्ट एड बॉक्स के कारण उस इलाके के सारे लोग उसके घर आते जाते रहते थे। इससे गांव के लोगों में विश्वास बढ़ेगा कि अगर कोई समस्या हुई, कोई उपचार करवाना है, तो वो भाजपा के अपने भाई है ना, उसके घर में फर्स्ट एड बॉक्स है, चलो भाई पहुंच जाते हैं। घर में किसी की बीमारी है, थर्मोमीटर चाहिए, चलो उसके यहां से ले आते हैं। घर में कोई तकलीफ है, चलिए गर्म पानी की थैली चाहिए, चलिए उनके यहां मिल जाएगी, मांग करके ले आते हैं। आप एक सामाजिक नेता बन जाएंगे। देखिए, बूथ के अंदर संघर्ष की जरूरत नहीं होती है, सेवा ही एकमात्र माध्यम होता है। आप अपने अखबार जैसा मैंने कहा पढ़ने की व्यवस्था पर जोर दें। कुछ अपने मैगजीन होते हैं, कमल संदेश है, और भी हमारी पार्टी के कई अखबार निकलते हैं। जैसे मैं गुजरात में था, वहां मनोगत नाम का अखबार निकलता था। ये मैगजीन जो आता है, हमने तय करना चाहिए कि भाई चलिए मंडे को ये मैगजीन इस घर में देंगे, फिर दूसरे दिन सुबह जाके मांगेंगे, कल आपने पढ़ लिया होगा ले लेंगे, दूसरे दिन दूसरे के घर देंगे, फिर 24 घंटे के बाद जाएंगे, फिर वहां से ले लेंगे। हमारा एक कमल संदेश होगा, हमारा एक मैगजीन होगा, तय करेंगे। अगला आने तक घर घर वो घूमता रहेगा, 30-40 घरों में जाएगा, फिर वापस आएगा। आप खुद तो अपने लिए खर्चा करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वही अगर आप मोहल्ले में पहुंचा देंगे तो फायदा होगा। अब देखिए, गांव में खेती के समय यूरिया खरीदने के लिए गांव वाले निकलते हैं, हर कोई अलग अलग जाता है, हर कोई न कोई व्हीकल करके उठा करके ले आता है। मान लीजिए आपने गांव वालों को इकट्ठा कर दिया, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया,
और आपने उनको कहा अच्छा भाई देखिए बताओ किसको कितना यूरिया चाहिए, चलो चलिए दो चार लोग मेरे साथ और हम सब मिलकर के पूरा गांव का यूरिया एक ही व्हीकल में ले आए तो किराया कम हो जाएगा, गांव के लोगों का पैसा बच जाएगा, वो आपको तारीफ करेंगे कि नहीं करेंगे, आपका गौरवगान करेंगे कि नहीं करेंगे, आपका कोई खर्चा हुआ क्या? नहीं हुआ। ऐसे छोटे छोटे काम हमने देखा है कि गांव हो या शहर, अगर कुछ करने की भावना सब में ही होती है पर अक्सर माध्यम नहीं होता है, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति माध्यम बन जाता है, नेतृत्व करने लग जाता है, तो सेवा भाव वाले लोग उसके साथ जुड़ ही जाते हैं। भैया अगर कोई व्यक्ति घर घर जाकर कहता है कि कोई पुरानी किताब है तो मुझे दे दीजिए, आप देखेंगे हर घर से बच्चे आकर खुद अपनी किताब आपको पुरानी दे देंगे। आप जरा घर में उस किताबों को ठीक कर लें बूथ के कार्यकर्ता, और फिर जो गरीब बच्चे हैं उनमें वो किताब बांट दे अपने बूथ में, हर गरीब परिवार के पास किताब पहुंच जाएगी। आप उनको लगेगा अरे मेरे बच्चे पढ़ाई करें इसकी वो चिंता कर रहा है। जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था, मणिनगर मेरा विधानसभा क्षेत्र था, तो मैंने आंगनवाड़ी की चिंता करना काम अपने जिम्मे लिया, अपने कार्यकर्ताओं को तैयार किया, भाई आपको आंगनवाड़ी में चक्कर काटना है और क्या करना है, किसी न किसी नए साथी को ले जाओ, अगर खजूर की सीजन है आंगनवाड़ी में जाकर हर एक बच्चे को दो दो खजूर खिला दो, अगर बैर की सीजन है आंगनवाड़ी के बच्चों को जाकर के दो दो बैर खिला दो, अगर कोई अच्छी टॉफी आ गई है दो दो टॉफी जाके, न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा, उन गरीब परिवारों से भी दोस्ती बन जाएगी, और इस इलाके में कोई जाने आए न जाने आप निकलेंगे हर बच्चा आपको जानता होगा, ये बहुत बड़ी ताकत बन जाती है साथियों। इस ताकत पर हमें जोर देना चाहिए और ये जितना करेंगे हमें गांव गांव में, शहर में, कस्बे में जाकर इस तरह से काम करते रहना चाहिए, तब जाकर के हमारे बूथ की ताकत बनती है। जब आप जनता से जुड़े ऐसे छोटे छोटे काम करोगे तो मुझे पक्का विश्वास है पूरे बूथ में कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जो आपसे दूरी करेगा, वो आपसे नहीं जुड़ेगा। आपकी पहचान एक भाजपा के कार्यकर्ता से आगे बढ़कर एक समाज सेवक की तरह बने, इसके लिए बूथ के अंदर लगातार काम करना चाहिए। और यहां से आप बूथों में जाने वाले हो, अलग अलग बूथ में रहने वाले हो, वहां जरूर जाकर के इन चीजों का प्रयोग कीजिए, आप देखना आपकी तरफ देखने का, आपके बूथ के कार्यकर्ताओं की तरफ देखने का पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। आइए कुछ और साथी भी पूछना चाहते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न श्री सल्ला रामकृष्णन आंध्र प्रदेश। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज सल्ला रामकृष्णन, अरकू पार्लियामेंट डिस्ट्रिक्ट। कहाँ से बोल रहे हैं भाई? हाँ दिखाई दिया, हाँ बोलिए। हाँ मैं सल्ला रामकृष्णन सर, स्क्रीन पे आपको देख रहा हूँ। एक आराम से फिर से बताइए, जरा आराम से सवाल बताइए। सल्ला रामकृष्णन सर, अरकू पार्लियामेंट डिस्ट्रिक्ट सर, आई एम बिलोंग्स टू ट्राइबल कम्युनिटी, पाड़ेर असेंबली, बूथ नंबर 281 सर। माय क्वेश्चन टू यू सर, आवर गवर्नमेंट इज डूइंग सो मच एक्टिविटीज इन इंडिया लेवल सर, इन विलेज लेवल ऑल्सो, एज वर्कर एज ए बीजेपी आई वॉन्ट टू आस्क हाउ टू गो टू द फील्ड टू कंट्रीब्यूट इन दिस प्रोसेस सर। बैठिए,
आप काम तो कर ही रहे हैं, ज्यादा काम करने के लिए कह रहे हैं। देखिए, कार्यकर्ता के दिल में और ज्यादा काम करने की भूख होना, ये भी बहुत बड़ी ताकत है। आंदोलनकारों को मेरा अभिनंदन। देखिए, 2047 में जब हमारे देश की आजादी के 100 साल होंगे और हम देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत विकसित तभी होगा जब गांव विकसित होगा, और इसलिए हर गांव का संकल्प बनना चाहिए कि 2047 के पहले हमें अपना कार्य क्षेत्र गांव होगा, पंचायत होगी, नगर होगा, महानगर होगा, हमें उसे भी डेवलप बनाना है, समस्याओं से मुक्त करना है, और इसके लिए छोटे छोटे प्रयास ही बहुत बड़ी असर दिखा सकते हैं। जैसे कि हमारा गांव कैसे हरा भरा हो, कैसे गांव में स्वच्छता को लेकर हम अलग अलग कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं, हम गांव में सोलर को कैसे बढ़ाएं, सोलर एनर्जी की गांव में कैसे आदत डालें। आज भारत सरकार सोलर एनर्जी पर इतना जोर दे रही है, हमारे भाजपा बूथ कार्यकर्ता ये ठान ले कि अगर किसी गांव में 100 घर है तो अगले 2 साल में वहां सौर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, हमारे किसान हो उनको समझाएं सोलार पंप का उपयोग करिए, आपका पैसा भी बच जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे सोलार लगवाएं, हम उनको प्रेरित करें। काम सरकार का नहीं है, जनता जनार्दन में ले जाने का एक सकारात्मक तरीका है। उसमें बैंकों से जो कैसे मदद मिलती है, उनको बैंकों से मदद कैसे दिलवाएं, आर्थिक सहयोग बैंकों से मिलता है उन तक कैसे पहुंचे, उनको इनकी जानकारी हम कैसे दें। आप जानते हैं केंद्र सरकार के प्रयासों से स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट बहुत तेजी से कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी भाजपा कार्यकर्ता ये सोचे कि मैं जिस बूथ में काम करता हूं वहां कोई ड्रॉप आउट नहीं होगा, बेटा हो या बेटी शत प्रतिशत पढ़ेंगे, इसके लिए मैं काम करूंगा। मुझे बताइए, भाजपा के कार्यकर्ताओं को काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपका बूथ मजबूत होगा कि नहीं होगा? आपके गांव में से अशिक्षा जाएगी कि नहीं जाएगी? कोई बच्चा अगर बीच में स्कूल छोड़ रहा है, हम उसको पहचान ले, उसको मिलने जाए, उसके माँ बाप को मिलने जाए, उसको स्कूल ले जाए, सेवा भी होगी, भाजपा का काम भी हो जाएगा। अगर उसको कोई आर्थिक परेशानी है, किताब नहीं है, लिखने के लिए नोटबुक नहीं है, आप गांव के 2 लोगों से कहेंगे आओ भाई इन 2 बच्चों के लिए भी 2 नोट ले आइए, उनको यूनिफॉर्म नहीं है, आओ भाई 2 बच्चों के लिए यूनिफॉर्म ले आओ। आप देखिए, धीरे धीरे आप परिवर्तन ले आएंगे। अब कुछ बच्चे कुपोषित होते हैं, हम गांव के अंदर कुपोषण कैसे मिटा सकते हैं? मैंने अभी बताया मेरा मणिनगर का अनुभव, हम गांव के लोगों को ले जा सकते हैं। इतना ही नहीं, किसी को कहेंगे भाई जन्मदिन आंगनवाड़ी में मनाओ, आपके पिताजी की मृत्यु की तिथि है आंगनवाड़ी में मनाओ, आपकी शादी की सालगिरह है आंगनवाड़ी में मनाओ, घर से कुछ बना करके ले आओ, चलो इन 30-40 बच्चे होते हैं खिलाओ, कुपोषण भी जाएगा और उनको अपना जन्मदिन मनाने का आनंद भी आएगा। मैं मानता हूं कि हमने ऐसे तरीके ढूंढने चाहिए, और जितने जैसे जहां पर डेयरी का काम है
वो दूध इकट्ठा कर करके पिला सकते हैं। मैं समझता हूं कि यही तरीके होते हैं जिन तरीकों से हम बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, और मैं मानता हूं इसका आदत लोगों को भी लगेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा। और इसलिए मेरा आग्रह है कि हम इन बातों को ज्यादा महत्व दें, अपने गांव के अंदर इसी प्रकार के काम को। अब जैसे अंकुरित मूंग होता है, अंकुरित चना होता है, अपने घर में करें 100 ग्राम इतना अंकुरित हो जाएगा, आपने वहां बांट दिया आंगनवाड़ी में, आंगनवाड़ी के बच्चों का कुपोषण से लड़ाई लड़ने की ताकत आएगी, पोषण बढ़ेगा। देखिए, सरकार की योजनाओं से ज्यादा समाज की शक्ति जुड़ जाती है तो निश्चित परिणाम अवश्य मिलते हैं। और हम चाहते हैं कि 2047 भारत को विकसित बनाना है, तो ऐसी हर छोटी चीजों को, हर समस्या से हमें मुक्ति लेना नहीं है। वो और मुक्ति हम लाएंगे तो हम परिणाम लाएंगे। आप जानते हैं कि देश में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी है, उसमें एक बात कही गई है कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज पढ़ाना कम, सीखना ज्यादा, टीचिंग नहीं लर्निंग। ये जब आया है, क्या कभी हम जाए स्कूल में और मास्टर जी से बात करें कि चलो आज बच्चों को हम जरा बाहर ले जाते हैं, मैं भी साथ में आता हूं, और बच्चों को बताएंगे देखिए भाई बरगद का पेड़ कौन सा है, चलो देखो, नीम का पेड़ कहाँ है देखो, चलो ढूंढ के लाओ कौन सा पेड़ है, फूल है तो कौन सा फूल है। बच्चों की पढ़ाई भी हो जाएगी। कभी कोई कुम्हार होगा गांव में, चलो अभी आज कुम्हार के घर जाएंगे, वो मिट्टी को कैसे काम करता है, मिट्टी में से घड़ा कैसे बनाता है, यानी स्कूल तो जो करती होगी लेकिन मेरा बूथ का कार्यकर्ता उसके साथ जुड़ जाता है, तो उन बच्चों के जीवन में भी बदलाव आता है। और नई एजुकेशन पॉलिसी, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अपने आप लागू हो जाती है। कई ही हस्तशिल्पी होते हैं, चीजें कैसे बनाते हैं, बच्चे जब बारीक से देखते हैं कि सुई धागे से ऐसे ऐसे काम होता है, बच्चे का एक विश्वास बनता है, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता बन जाते हैं। और इसलिए मैं बूथ के भाजपा से कार्यकर्ताओं से यही कहूंगा कि आप वहां के जनजीवन से जुड़िए, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़िए। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में राजनीति नहीं होती है, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में आगे बढ़ने का इरादा होता है। उस आगे बढ़ने के इरादे को पहचानिए और अपने आप को उसके साथ जोड़िए, वो आपके साथ जुड़ जाएगा। आपका बूथ मजबूत बनने से कोई रोक नहीं सकता है, और इसके लिए हमने आगे बढ़ना चाहिए।